अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने गूगल अकाउंट को सिक्योर करना है, और कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा मेरे साथ साथ। तो एक रिसेंटली गूगल वालों की तरफ से सिक्योरिटी अपडेट भी आई है, वो भी एक्टिवेट कर लीजिएगा। और एक एप्लीकेशन का बताऊंगा मैं, गूगल वालों की एप्लीकेशन है, तो उसके साथ भी अपना अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिएगा, साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, ताकि और भी ज़्यादा सिक्योर हो सके। और सेकंड पे बात यह है कि मैंने एक चैनल बनाया है, एयर ड्रॉप से रिलेटेड है, फ्री अर्निंग से रिलेटेड है, जो कि बिटकॉइन से का बताता हूँ उसमें, और बाउंटीज वगैरह का बताता हूँ। अगर तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया टेक बॉस टीवी में। ओके दोस्तों, तो अब मैं आ गया हूँ कंप्यूटर की तरफ और मैंने ओपन कर लिया है क्रोम। जो मेरा अकाउंट एक्टिवेट है वो क्रोम पे एक्टिवेट है और मोबाइल पे एक्टिवेट है। तो आपने जाना है इस आइकन पे और यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिक्योरिटी पे जाइएगा। जब आप सिक्योरिटी पे जाएंगे तो सबसे पहले वाला ऑप्शन करना है वही, कीप योर अकाउंट प्रोटेक्टेड पे, ठीक है। इस पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, उस पर आपने क्लिक करना है और आपको आपके पास आ जाएगा ये ऑप्शन। इसमें ये है कि जो भी आपकी ईमेल जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि मेरी विंडो के साथ एक्टिवेट है, मतलब कि पीसी के साथ कनेक्ट है, और एक मोबाइल के साथ कनेक्ट है। अगर कहीं और भी एक्टिवेट हुई होगी तो ये यहाँ पर शो कर देगा। तो इसको अगर तो आपकी एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पर डिवाइस एक्टिवेट शो हो रही है, तो आपने क्या करना है, ये थ्री डॉट्स पर जाइएगा और यहाँ पर साइन आउट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड अपना चेंज कर दीजिएगा। सेकेंड पे ये है कि ये रिसेंटली सिक्योरिटी इवेंट से, मतलब कि जो भी जहाँ पे भी आपकी ईमेल एक्टिवेट हुई है तो ये उसका बारे में बताता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन ये है कि ये अगर आपने सिम नंबर के साथ कनेक्ट किए भी किया हुआ है सिक्योरिटी में, और एक सेकेंड ईमेल कनेक्ट की हुई है और सिक्योरिटी में, तो ये उसके बारे में बताता है। अगर उसके बाद आपने क्या करना है, बैक पर आ जाना है। बैक पर आने के बाद आपने क्या करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन पे आना है, ठीक है। जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन पर आएंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ओपन करेंगे तो ये वाला स्टेप जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर। आपने ये वाला स्टेप लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। ये बहुत सिक्योर बना देता है आपके गूगल अकाउंट को। तो जब आप ये वाला अकाउंट को, ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का ऐड एन अकाउंट पे आ जाएगा, ये वाला पेज आपके पास शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, स्कैन अप बार कोड पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, चेंज अप फ़ोन पर आना अपने अपने, ये दोबारा इस पेज पे। अगर आपके पास एंड्रॉयड पे एक्टिवेट है, मतलब कि जो भी अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है आपके आईफोन में या फिर एंड्रॉयड पे, वो सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, स्कैन करना है अपना बारकोड। बारकोड जब आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पर 6 डिजिट का नंबर आ जाएगा और 30 सेकेंड चल रहे होंगे, ठीक है। जब 30 सेकेंड ख़त्म हो जाएंगे तो जो 6 डिजिट होंगे वो ख़त्म हो जाएगा नंबर, तो एक नया नंबर आ जाएगा। 30 सेकेंड के बाद एक नया नंबर आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कांट आई स्कैन इट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी पेपर पे ये वाली की जो है,
ये वाली जो की है ये आपने लिख लेनी है लाजमी, ठीक है। ये और ना आपने मिसप्लेस करनी है, कोई ऐसी सेफ जगह पे रख लेनी है ताकि ये आपके बाद में काम आ सके। और ये की कहाँ पर काम आएगी, जब आप आपका अगर मोबाइल रीसेट हो जाता है और ये वाली एप्लीकेशन रिमूव हो जाती है तो ये उस टाइम ये वाली की काम आएगी, ये वाली की काम आएगी। तो ये किस तरह एक्टिवेट करना है, जब आपका ये डिलीट हो जाएगी एप्लीकेशन तो आपने इंटर आप प्रोवाइडेड की को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने मैन्युअली टाइप करके ये वाली की को एक्टिवेट करना है, ठीक है, अपने गूगल अकाउंट के नेम से। तो ये उस टाइम काम आएगी। अगर तो ये आपकी ईमेल आपका ये जो की है ये रिमूव हो जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है, कहीं से डिलीट हो जाती है, तो ये फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब कि ये फिर आपको अपील करनी पड़ेगी गूगल वालों की तरफ, गूगल वालों से कि ये मेरे से मिसप्लेस हो गई है और ये रिमूव कर दें आप, तो फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो आप ये लाजमी सिक्योर कीजिएगा इस एप्लीकेशन के साथ, आपने लाजमी कनेक्ट कर लेनी है अपना गूगल अकाउंट। जब भी अगर कोई भी ओपन करेगा आपका गूगल अकाउंट तो ये जब तक आप ये गूगल ऑथेंटिकेटर से 6 डिजिट का की नहीं देंगे, 30 सेकंड का जो की आएगा वो नहीं देंगे तो आपका ये गूगल अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, ये बहुत सिक्योर बना देता है। सेकंड पे ये है कि आपने क्या करना है, अपना फोन नंबर दे दीजिएगा, फोन नंबर के साथ भी एक्टिवेट कर दीजिएगा। वैसे तो ये फोन नंबर से ही एक्टिवेट होता है गूगल अकाउंट। तो उसके बाद ईमेल, जो अगर आपके पास कोई दूसरी ईमेल है वो भी आपने कनेक्ट कर लेनी है। जब भी कोई एक्टिवेट करेगा तो वहाँ पर भी आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, एक की पहुँच जाएगी। तो बस इतने इसमें बताना था आपको। तो ये आपने लाजमी याद से ये अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर कर लीजिएगा और भी ज़्यादा। और सेकंड पे बात ये है कि आपने ये वाला चैनल जो ये न्यू क्रिएट किया है मैंने टेक बॉस क्रिप्टो, इसमें मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बताता हूँ, ये ड्रॉप है फ्री मिलते हैं जो कॉइन्स, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है और काफ़ी हद तक ईजी प्रोसेस है फ्री अर्निंग से रिलेटेड। तो अगर तो कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।